हेलो स्टूडेंट, अभी क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 14 तक समझाने जा रहे हैं। वो 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसमें है रवि ए प्रजेंट एज, हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रजेंट रवि प्रजेंट एज हो गया एक्स ईयर 15 ईयर फ्रॉम नाउ रबीज एज एक्स प्लस 15 नाउ रहेगा, उसमें जो है ना प्लस करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 15 एज है, इसमें जो है ना 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज है, तो एक्स प्लस 15 इक्वल टू हो जाएगा 4x, 15 इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस एक्स, 15 इक्वल टू हो गया 3x, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 15, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि इसकी प्रेजेंट एज 5 ईयर हो गई। ठीक है, तो ये जो है ना आपको आंसर में लिख लेना है कि रवीज प्रेजेंट एज इज जो है ना आपका 5 ईयर्स। ओके, अब हम जो है ना समझाते हैं आपको। 13 नंबर जो है ना आपका सेम ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आप कर लेना। 14 हम समझाते हैं आपको, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहता है 13, आप वहाँ से भी समझ सकते हो। इसमें 14 में जो है ना ये रेशियो ऑफ नोट्स दिए हुए हैं, द रेशियो ऑफ नोट्स लेट कर लेते हैं, यहाँ पर 2:3:5 दिया हुआ, तो 2x, 3x एंड 5x कर लेते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो नोट्स है ये 100 के नोट्स है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो 3x है 3x, ये जो है ना 50 के नोट है तो 50 से कर लेना है, और ये आपका ये 10 के नोट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लें। टोटल जो है ना दिया हुआ है 400,000 उसके पास है कैश, तो ये हो जाएगा आपका 200x प्लस ये हो जाएगा 150x प्लस हो जाएगा 50x इक्वल टू 400,000, ये हो जाएगा आपका सारे प्लस करके 400x इक्वल टू है 400,000, तो x इक्वल टू है 400,000 बाई 400, तो ये इससे ये खत कैंसिल हो जाएगा 2 0 से 2 0, और ये 1000 बच जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1000। ठीक है, तो रुपीज जो 100 नोट है, 100 नोट हो जाएगा नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट हो जाएगा 2x है, तो 2 × 1000 यानी कि 2000 नोट्स हो जाएंगे, और उसी तरह नंबर ऑफ 50 नोट है, 50 के नोट्स हैं, ये है 3 × 3x है तो 3 × 1000 और रुपीज जो है ना 10 नोट्स हैं, ये आपका 5 है तो 5 × 1000 यानी कि 5000 हो जाएगा। ये इतना जो है ना उसके पास जो है ना नोट हैं सारे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।